हेलो गाइस, मैं नितेश केतवाल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अभी यहाँ पर आर्ट गैलरी के पास। ये देखिए, ये दरवाज़ा है आर्ट गैलरी का। ये देखिए, पीछे आर्ट गैलरी है और इसी के सामने है सूर्य कुंड। ये देखिए सूर्य कुंड, ये है यहाँ पर सूर्य कुंड। माना जाता है कि यहाँ पर सूर्य की पहली किरणें इसी कुंड पर आती हैं। और इसके सामने देखिए आर्ट गैलरी, ये देखिए। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं पर से करता हूँ, तो चलते हैं आज आगे। आज हम जाएंगे केदारताल ट्रैक पर। ये है भागीरथी रिवर जो कि गौमुख से आ रही है, और इसी के बगल में ये देखिए, ये है केदार गंगा जो कि केदारताल से होते हुए आ रही है। और यहाँ पर संगम है यहाँ पर दोनों का, और ये भागीरथी के नाम से आगे को जाती है। इस आर्ट गैलरी के बगल से ही एक रास्ता है जो कि हमको केदारताल ट्रैक पर वाले रास्ते को पकड़ लेंगे और वहीं से आगे को बढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो मैं चल रहा हूँ गंगोत्री धाम से यहाँ पर केदारताल ट्रैक पे। तो मेरे साथ यहाँ पर महेंद्र भाई और पंकज सर हैं, हमारे साथ SDRF से हैं जो। और ट्रैक पे बहुत बर्फबारी हो रखी थी कल रात, तो अभी भी बर्फ गली नहीं है पूरी। तो कुछ इस तरीका का 4 फीट का रास्ता है, कहीं कहीं पर 2 फीट का भी रास्ता है, डेंजर है थोड़ा। गंगोत्री धाम के ऊपर ये चोटी है क्योंकि वहाँ से पूरी नहीं दिखती है, तो हम ये केदारताल ट्रैक पर आ रखें। तो यहाँ से इस तरीके किस तरीके से सफ़ेद आ, इस तरीके की वैली है। ये देखिए, अब शाम हो चुकी है और ये धूप जाने ही वाली है अब थोड़ी देर में। और नीचे पर देखिए आप केदार गंगा, ये देखिए। कुछ कल बर्फबारी के कारण यहाँ पर मटमैला पानी आ रहा है, रास्ते से में पूरे पत्थर ही पत्थर आ रखे हैं, तो बच के चलना पड़ेगा। ये पूरा देवदार का जंगल है। अभी टाइम हो रहा है 4:36 शाम के, तो 5 बजे तक हम चलेंगे, उसके बाद हम वापस डाउन हो जाएंगे। हम अब ट्री लाइन से ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर झाड़ियाँ हैं बस, ये चलते रहता हूँ ऊपर। खाली पहाड़ को देख रहा हूँ, वह इनका चक्कर आ जा रहा है। देखो बाप रे, कितने खतरनाक पहाड़ हैं, खड़े हैं एकदम सर के ऊपर से। चलो यार भयंकर, चलते रहते हैं थोड़ा आगे को। वो बहुत बढ़िया, असली हिमालय तो इधर है। और ये देखिए भोज वृक्ष, ट्री लाइन नीचे, हम ट्री लाइन के ऊपर। ये देखिए, वो चलते हैं उधर, असली हिमालय। पूरा रास्ता तोड़ गया, बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। ये देखिए, और मेरे पीछे देखिए, ये देखिए पूरा रास्ता, ऊपर से पत्थर गिरे होंगे, पूरा रास्ता डैमेज हो रखा है। ये ऊपर से बंद, ये ऊपर से गिरा रहे, आगे का चलो खतरा है। अरे भयंकर, आगे रास्ता बंद है। ओ शिट, आगे रास्ता बंद है। ये देखिए, ऊपर से स्लाइडिंग आ रही थी, आगे बंद है। ये देखिए स्लाइडिंग, वाह मज़ा आ गया। ये देखिए बहुत बढ़िया व्यू, ये आगे रास्ता ब्लॉक है। ये देखिए स्लाइडिंग करके नीचे, ये देखिए ट्रैक बहुत बढ़िया ट्रैक था। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, मज़ा आ गया। ये देख रहे हैं केदार ताल ट्रैक, केदार, और यहीं से बहती है केदार गंगा। तो शाम हो चुकी है, धूप कुछ ही देर में जाने वाली है, और टाइम भी हो गया है, 5 बजने वाले हैं, 2 मिनट अभी 5 बजने में शाम के। तो ये देखिए बर्फ की चादर एकदम सफ़ेद, मज़ा आ जाएगा। अब चलते हैं वापस, तो रास्ता भी ख़राब है। ये देखिए पता ही जैसे आपको, देखिए ऊपर से पत्थर भी आ रखे हैं, तो पेड़ का ऐसा हाल कर दिया है, पत्थर ऊपर से देखिए बीच से टूट रखा है। ये देखिए पूरा डेंजर है जो अपने। तो केदारताल ट्रैक अभी बंद है फिलहाल, तो चलते हैं आगे को। देखिए पूरा भोज का वृक्ष का जो जंगल है, ये भोज वृक्ष का जंगल है, इस तरीके के फूल यहाँ पर हैं। अभी गंगोत्री धाम के ऊपर पर इस पर्वत का नाम पता नहीं चल पा रहा है, और इधर साइड को जो है ये मात्री पर्वत है, और इसी के बगल में चौखंबा, और अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, हाँ वो सुदर्शन है उधर को। बहुत ही डाउन है यहाँ पर, बहुत आराम से चलिएगा। ये देखिए पूरा रास्ता टूट रखा है, आराम से उधर जाना है नीचे उस जगह पर जहाँ पर ये केदारताल भागीरथी से मिलेगी। तो चलता हूँ, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर 2 कैमरे लगे हुए हैं जो कि वन विभाग द्वारा लगाए गए हैं, कोई भी अनचाह व्यक्ति यहाँ से न जाए। ये देखिए एक कैमरा ये है, और हाँ एक कैमरा ये है जो कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगाए गए हैं कि यहाँ पर कोई अनचाह व्यक्ति या कुछ इस टाइप से हलचल हो तो इसमें कैप्चर हो जाए और उनको सूचना पहुँच जाए। ये देखिए हम यहाँ पर से 3 जने गए थे और 3 के 3 वापस आ गए हैं, ये भी इस कैमरे में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे को,
कैमरे है, ये देखिए लोग द्वारा बांधे गए हैं। इस टाइप का कैमरा है, ये देखिए इतनी पतली पतली भोज वृक्ष की छाल है, ये इस टाइप से देखिए आप, इसमें ये दो तीन लेयर है, ये दो तीन लेयर है इसमें। इसी पे सबसे पहले रामायण लिखी गई थी, उसमें पन्ने वन्ने तो होते नहीं थे बुक्स, तो इसी पे छाल पे रामायण लिखी गई, हमने भी सुना है बस। ये देखिए इन दो पत्थरों के बीच में ये पत्थर इस तरीके से आर्का देखे फंस रखा है, नीचे से गुफा बन रही है, बरसात में जंगली जानवर इसके नीचे आते होंगे, ऊपर से आ रहा है पानी, ये देखिए वहाँ ऊपर से यहीं पर से पानी आ रहा है, तो देख पहले यहाँ पर होगा पानी का स्टोरेज, ये जो सूख चुका है पूरा, और आगे चलते हैं। यहाँ से आ रहा पानी, ओ ये बना रखा है, इससे पाइप में जा रहा है, नेचुरल स्रोत है, ये देखिए इससे पाइप में जा रहा है, छोटा सा वाटरफॉल और ये पानी का पॉइंट हमने देख लिया है, तो आप चलते हैं वापस नीचे को। सो गंगोत्री साइड को ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे, ये है गंगा तुलसी, इसको सुन के आप पता लगा सकते हैं, और ये देखिए ये जो सूख जाते हैं इनका धूप अगरबत्ती में काम में ला सकते हैं। ये देखिए पानी बढ़ चुका है और इतना खतरनाक झरना हो रहा है, इसमें तो कोई रुक भी नहीं सकता, ऊपर स्लाइडिंग है पूरा फुल गली टाइप, ये देखिए, और ये है रास्ता, थोड़ा सा छोटा रास्ता हो जाता है और पत्थर गिरने के चांस हैं, यहाँ पर पत्थर पहले से गिर रखे हैं। गंगोत्री माता जी का मंदिर देखिए, और बगल में भागीरथी रिवर, ये देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट का यहाँ पर एक हाउस है, ये देखिए क्या लिखा है इसमें, आइसोलेशन एरिया, तो यहीं पर से हम चढ़े थे, अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर रास्ते पे, देखिए यहीं से हम ऊपर को चले थे, और अभी टाइम हो रहा है 6, करेक्ट 6 बजे अभी केदारताल पुल के वहाँ पर, और ये इसी के पीछे पर जाता है ये रास्ता हमारा कैंप पे, तो हम अब चल रहे हैं कैंप, तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।